राधे राधे, विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे की मान्यता? आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले हर बार की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप लाभ उठा पाएँ। अब वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो आगे ज़रूर शेयर करिए। समय ना गंवाते हुए उस बताते हैं इसके बारे में आपको, विश्वकर्मा जयंती के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योग फैक्ट्रियों हर जगह के कारोबार में उद्योग फैक्ट्री हिंदू धर्म में इसका पूजा व्रत किया जाता है। व्रत त्योहारों की तिथि में बदलाव होता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार हर साल एक ही तिथि को मनाया जाता है, 17 सितंबर को ही। विश्वकर्मा पूजा मनाने से जुड़ी हुई अनेक मान्यताएं हैं, क्योंकि हर त्यौहार का हर उसका अलग अलग मान्यता लोग मानते हैं। 17 सितंबर को आखिर क्यों मनाई जाती है और दिन क्यों नहीं मनाया जाता विश्वकर्मा? 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है इस मान्यता के पीछे भगवान विश्वकर्मा का जन्म आशीवन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि को हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भाद्रपद की अंतिम तिथि को भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है। वहीं जन्म तिथि से अलग एक ऐसी मान्यता निकली जिसमें विश्वकर्मा पूजा को सूर्य के परागमन के अनुसार तय किया गया। यह दिन बाद में सूर्य संक्रांति के दिन रूप में बनाया जाने लगा। यह लगभग हर साल 17 सितंबर को ही पड़ता है, इसलिए इसी दिन पूजा पाठ की जाने लगी। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि हर पूजा का एक शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का हमें फल अच्छा मिलता है। इस साल विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 11:43 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान विश्वकर्मा की विशेष कृपा रहती है। पूजा करने की विधि जानते हैं आइए, क्योंकि किसी भी पूजा को विधि विधान से करना ही शुभ माना जाता है, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। विश्वकर्मा पूजा के लिए दिन सुबह उठकर सबसे पहले मशीनों को अच्छे से साफ करना चाहिए। इस दिन अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इस दिन वाहनों की भी पूजा की जाती है, इसलिए अपने वाहनों को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। पूजा करने के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए सबसे पहले औजारों और मशीनों के साथ भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर और औजारों को तिलक करें, जनेऊ के साथ फूल माला। उसके बाद भोग में 5 प्रकार के फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की कथा पढ़ें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की कथा करें और पढ़ें। उसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। भोग में विशेष रूप से बूंदी के लड्डू जरूर अर्पित करें, क्योंकि बूंदी के लड्डू चढ़ाने से हमारी पूजा का फल हमें मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।